मैं आपसे लड़ती हूँ। आप बीवी की बात मानते हैं कि अपनी बात मानते हैं? आज है अच्छा मौसम है लाहौर आज में है संडे। और ईद जो है गुजरे हुए हफ्ता हो गया है और गोश्त लेकिन ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बहुत है। और अनफॉर्चुनेटली जो है ना थोड़ा गोश्त में ख़राब भी हो गया है, कुछ टेके रखा था वो फ्रिज ने थोड़ी धोखा दिया है, लेकिन बहुत कम गोश्त में रखा था। तो अभी करेंगे एक शायद बारबेक्यू पार्टी और उसमें गोश्त हमारे अच्छा, से ख़त्म हो जाएंगे। हाँ कब वो करनी है मेरे हमने? पर सरप्राइज़ रखा हुआ था वाह, लेकिन क्या बात सरप्राइज़ है, डाल मुझे दिया। सरप्राइज मिलेगा, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े मजे में होंगे। सब लोग जो अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कल आ चुका है संडे और हमारे बच्चों की भी तैयारी भरपूर तरीके से हो चुकी है। और मैं एक्साइटेड हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बच्चे एक्साइटेड नहीं है कि वो स्कूल जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे। तो वैसे आज आप करने क्या वाले हैं? मुझे शायद शॉपिंग पे लेके जाने वाले नहीं आज तुम्हें किचन में लेके जाऊंगा हैं। ताकि तुम कुछ बनाओ अच्छा सा। ये देख लें, ये मुझसे काम कराएंगे। संडे को सब मुलाजिम को छुट्टी होती है, लेकिन बीवियों को कभी छुट्टी नहीं होती। जैसे ही कोई त्योहार आता है तो बीवियों बीवी को का काम छुट्टी नहीं बढ़ होती जाता है। और हस्बैंड को छुट्टी नहीं होती। क्यों हस्बैंड को हस्बैंड भी छुट्टी? ऐसा मुलाजम है उसे कोई छुट्टी नहीं होती। हस्बैंड तो बैठ के मजे से खाएगा भी, जो मैं बनाऊंगी तो आप तो खाएंगे वो तो भी। बीवी मजे से खा लेगी, बीवी मजा मुझे नहीं वैसे लेगी। याद है, अच्छा हमने खाना क्या खाना है? हमने तो सोचा ही नहीं कि आज खाना क्या पकाया जाएगा। खाना आज क्या? खाना बनाओ कुछ बिहार में अच्छा सा। आज मेरे हमें दाल पकनी चाहिए, मैंने गोश्त बहुत खा लिया है और कुछ सब्जी या दाल कुछ पकनी चाहिए। और इसी के साथ मेरा ख्याल हम किचन में चलते हैं और जो मैं बनाने लगी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। कि मैं खैर आज एक सरप्राइज नहीं, सरप्राइज में बड़ी सिंपल सी और छोटी सी रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ साथ हमारा जो व्लॉग है वो स्टार्ट होगा और अभी चलते हैं हम लोग किचन में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने लगा है पीच मार्गरीटा। तो चले देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने स्टाइल में। और यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूँगी, किसे इनवाइट करूँ आप लोग बताएं। हमारे मैंने वैसे एक अच्छा ज़बरदस्त सा मेरे पास आइडिया है कि अपने किचन में मैं बहुत सारे शेफ्स जो हैं उन्हें मैं इन्वाइट करूँगी, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे पेज को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी रेसिपी और कोई भी व्लॉग आप लोग मिस ना कर सकें, और इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी मियाँ जी को, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो उनके बगैर अधूरी है, क्योंकि उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। तो ये है हमारी मोहब्बत। तो चलें जी, मिस्टर आमिर खान कमेर। जी ये सलाम जी, एवरीवन एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। बिल्कुल बिल्कुल जैसे राबिया ने बुलाया, क्योंकि राबिया कहती है कि जब मैं किचन में कुछ बनाऊं स्पेशली जब मैं कुछ शूट करूं स्पेशली चीज बनाऊं तो आप मेरे प्रेजेंस जरूर दें, टाइम दें। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पूरा टाइम दूं इन्हें जो टाइम चाहिए ताकि ये खुश दिली से बनाएं। और एक्चुअली तो बनना तो मेरे लिए खाना पीना मेरे ही है, तो ये भी बनाने लगी हैं। मैं पीच मार्गरीटा क्योंकि अभी मूड था मेरा कुछ पीने का, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, साथ में आप कुछ रिकॉर्डिंग भी कर लूँ क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि ड्रिंक की करूँ। तो दिस इज़ द वीलॉग फॉर दैट। तो हाँ जी क्योंकि हमारी मोहब्बत की दास्तान ऐसी है कि इनके बगैर मेरा किचन में भी दिल नहीं लगता। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरे पास रहा करें ताकि मैं खुश रहूँ और उससे मेरी तबीयत भी इंशाल्लाह ठीक हो हाँ जाएगी। जैसे चले राबिया ने बोला अब कि हम लोग ना ऑलरेडी कुछ लाइंड अप हैं, शेफ्स भी और कुछ सेलिब्रिटीज भी जिनको हम इनवाइट करेंगे किचन में कुछ स्पेशल कुकिंग में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और पहले भी मैंने अनाउंस किया था अगर आपके पास कोई टैलेंट है कुकिंग का अच्छा सा तो आप हमें ज़रूर रीच आउट करें और हम आपको इनवाइट करेंगे। आपको पहले प्ले करेंगे वीडियो भी और फिर इन्वाइट भी करेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है और आप आना चाहते हैं तो श्योर वाई नॉट, वी कैन बी वी कैन हैव यू एज अ गेस्ट एज वेल। यस बिल्कुल। और आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई बहुत आपको लगता है कि आप बड़े ही अच्छे शेफ़ हैं, किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में काम कर रहे हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आपको हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर इनवाइट करेंगे। चलिए अब मेरा ख्याल है कि व्लॉग जो और हमारी रेसिपी काफ़ी लंबी होती जा रही है, हम इससे चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो कम है उधर करें ताकि मैं ज़्यादा नज़र आऊँ, ये ऊपर ये ना नज़र अच्छा आए। लग रहा है ये फ्रेम, ओके, ये ऊपर ये नज़र आ रहा है। बुरी ओके चीज तो नहीं लग रही ओके हो ओके ओके, किचन की चीज है, किचन चलें का जी। मेरे को लग ओके रहा है तुम लेफ्ट हैंड मूव होते आती रहोगे ना वरना तुम ओके गायब ओके हो ओके जाओगे। ओके, चले वहाँ से ऑन कर जरा दें। तुम्हें उधर जाना है इधर जाना है। लेकिन बड़ी अच्छी है आजकल एक वीडियो चल रही है। मैं आपसे लड़ती हूँ, आप बीवी की बात मानते हैं कि अपनी बात मानते हैं? अपनी हाँ ठीक जवाब दी है, क्योंकि तो इधर पास पड़ी इन्हें पता है। ओके शुरू है। वालेकुम अस्सलाम टू एवरी सलाम एंड वी आर गुड टू एवरी हाउ आर यू एंड
मौलाना तो मौलाना है ना, तो भाई जान क्या बात है। ग्लास में मेरा ख्याल सर्व कर देते हैं। बड़ी स्पीड से कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ और पढ़ने के, लेकिन वो सलाम वाले जो आराम वाले जाते हैं लंबे हैं। एक सेकंड, मेरा ख्याल हम ग्लास में सर्व करेंगे। जबरदस्त सा हमारा पीच मार्गरेटा रेडी है। ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है, आप इसे फटाफट से घर में तैयार कर सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए, देखने में भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। जब चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है तो आधा पेट तो इंसान का वैसे ही भर जाता है खा के, जो बाद में पेट भरता है, लेकिन देखने से इंसान आधा फुल वैसे हो जाता है। सो इसे आपके घर जब कोई मेहमान आए, जब कोई ख़ास आपके दोस्त आए, तो उन्हें बना के इम्प्रेस कर दें। चले जी, हमने किचन में आके जो रेसिपी बनानी थी, जो ड्रिंक हमने तैयार करना था, वो हमने कर लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ड्रिंक तैयार हुआ है और मियाँ जी को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो पीने में तो ये इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे यूट्यूब पे, जहाँ पे आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, वहाँ पे जाके आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। कैसा बना लूँ? ड्रिंक इज़ रियली गुड। मेरा ख्याल है ईद का गोश्त खाने के बाद ही पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके खाने को जो वो हाजमा करेगा, क्योंकि उसमें काला नमक भी है, वो भी अच्छा है खाने को हजम करने के लिए। डाइजेस्ट करेगा, हैवी है, स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी भी है, व्हिच इज गुड। अगर आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो इस तरह फ्रूट्स के साथ उन्हें इस तरह मार्गरेटा बना के दें, क्योंकि ड्रिंक्स बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, तो शौक शौक से पियेंगे और उन्हें फ्रूट अच्छा लगने भी लग जाएगा। ये एक ज़बरदस्त सा ट्रिक है जो कि मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ। तो अगर आप लोग के बच्चे फ्रूट नहीं खाते तो आप भी ये ट्रिक आजमाएं, रेसिपी को देखें और उन्हें बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खिलाएं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी खाते उनको फिर भी खिलाएं, ताकि आपके बच्चे हेल्दी रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये देखें ये बच्चे रेडी हैं राइडिंग करने के लिए। किस किस ने जाना राइडिंग करने के लिए? ओके ओके ओके, देख रही है बच्चों की शरारत है। कौन आप किधर जा रहे हो? कौन किधर जा रहे हो? बच्चों तो पांच है, अभी हम जाएंगे राइडिंग करने के लिए और देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा अच्छी राइडिंग करेगा। मुस्वाक हमजा, हमजा मुस्वाक की साइकिल दे दो और पापा इधर नमाज पढ़ रहे हो। बिस्मिल्लाह। अब हो रही है तैयारी, जा रहे हैं हम राइडिंग पे, क्योंकि वीकेंड हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी राइडिंग कराई जाए। तो आज बच्चों को राइडिंग कराएंगे और खुद भी करेंगे, काफ़ी दिन चले कि ईद में सब राइडिंग पर बंद थे, तो इट्स बैक ऑन। तो अब जाके राइडिंग करते हैं, लेट्स गो। और ये मेरे जो राइडिंग के शूज है ना, ये बड़े जबरदस्त है। ये और मेरे ये राइडिंग शूज नहीं है, ये विंटर शूज है जो कि हम लोग घर में पहनते हैं। तो मेरे जो राइडिंग शूज है वो बड़े हार्ड होते हैं, तो ये बड़े सॉफ्ट है। देखें कितने सॉफ्ट हैं, तो इसलिए मैं ये पहनती हूँ, बड़े कम्फर्टेबल रहते हैं। और जे ये मियाँ जी के राइडिंग वाले इतने सख्त और इतने हार्ड, मैं वहीं जाकर पहनूंगा, गाड़ी में रखूंगा, वहीं रखूंगा, गाड़ी रखो बस। कौन सो रहा पीछे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं सोया अभी, बस पहुंच गया। छोटी ड्राइवर कौन ये कौन भाई को फायदे लाइट्स मार रहा है, लोग को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ये जो है ना, ये मसाज सीट सीट के अंदर मसाज लगी हुई है, बैठते बैठते जो है ना मसाज भी होती है। सो दिस इज लाइक रियल मसाज सीट। अमेरिका में जो गाड़ी थी उसमें मसाज सीट थी, इसमें मसाज खाक है। ये अमेरिका का, इसमें मसाज खाक लेके चलते हैं, क्योंकि मैं सर मेरा भारी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं अल्लाह राइडिंग करने के लिए। ये प्यारे प्यारे से बच्चे मामा पापा के साथ राइडिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। आ जाए महरूम महरूम
आपका और मेरा सेम नहीं वो पापा का है? ये मेरा हाँ ये अच्छा ये मुस्वाब का अच्छा ये लोना बेटे और हमारा का है ठीक है चलेंगे चलें जी अब जाके देखते हैं हमारी बारी कब आएगी क्लास चल रही किसके हेलमेट पहन लिया अरे ये उस बच्चा हमारी बारी आ चुकी है और अब हम करेंगे राइड और हम भी जो है वो करेंगे वहाँ पे बैठा रेस्ट देख रहे हैं अब बेबी बाहर ना जाए इसलिए कि यहाँ पे खड़ी हो जाओ आओ ठीक हो गया आपकी छोटी बच्ची कौन सी जो ये बच्ची ट्रॉल करती है छोटी बच्ची है कि बच्ची है मेरे घोड़े का क्या नाम था रफ आइडिया मैम का इस पर मार्क करवा दी चलें मैम आपको रफ आइडिया ओके चलें जी मामा बैठेंगे रफ आइडिया पे गुड गुड है ना बहुत ये आज बस एक के समान है वो उसको भी बंद कर देते हैं बारिश हो गई ये हो गया मैम आप लोग आए भी नहीं है राइडिंग बहुत हो गई तो आपने पता नहीं अरे अकबर